6280 का डिपॉजिट 6280 कैलकुलेट ऑन योर ओन. ओके अभी करेगा किधर रॉन्ग रहेगा तुम्हारा भी रॉन्ग और आगे पीछे एग्जाम में रॉन्ग भी मिलेगा. ओके 6280 इज व्हाट यू डिपॉजिट. देन सिंपल बैलेंस कर लो, चेक करो पहले कैश, कैश का डेबिट कार्ड होता है लिरिट चेन 126280 सेम रहेगा ना 126280 गेट द बैलेंस बाय बैलेंस सीडी. कितना रहेगा कैश में बैलेंस? पांच ही रखा है तो पांच ही मिलेगा. सिंपल ये रहा टोटल, ये रहा बैलेंस, डेबिट का टोटल यही है बड़ा. बैंक में देखो विच साइड इज बिगर, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98 65 98
मालूम है अलग अलग भी आ सकता है, एक सम में आया भी था याद है कि नहीं। हेलो कैश विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, कैश विल ऑलवेज हैव डेबिट बढ़ा रहेगा, बट बैंक कैन हैव बोथ, इधर डेबिट इज बिगर तो यू आर गेटिंग फाइव बैलेंस, अभी क्रेडिट बढ़ा रहेगा तो आप टू बैलेंस, टू बैलेंस सीडी विल बिकम फाइव बैलेंस सीडी, ऑपोजिट साइड फाइव बैलेंस सीडी विल बिकम टू बैलेंस। करो नेक्स्ट ऑन योर ओन 21st ट्रिपल नहीं हो, डबल कॉलम कर लो, ट्रिपल है नहीं तो डबल कॉलम बनाओ, खुद से बनाओ, क्विट 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 नहीं खुद से करो, ऑन योर ओन परफेक्ट आना चाहिए, ये आ गया तो तुमको खाली 2-5% बाकी है, विच इज योर शीट एंड कॉलेज टेस्ट, कॉलेज टेस्ट ही अपना टेस्ट क्लास फुल पोर्शन टेस्ट रहेगा, अभी सीधा सब्सिडरी का तो है संडे को, सीधा फुल पोर्शन टेस्ट विल बी, सब्सिडरी का है संडे, फुल पोर्शन सीधा 5th or 6th November. 2 days lecture आना है November में, 3-4 or 3-5 third and fifth. उन लोगों नहीं एसके सोमैया का आज लास्ट करता हूँ, एसके सोमैया आज आना, एसके सोमैया ये मैसेज आ रहा है आपका बैच का ऑफिस अली एनएम मिट्टी बाई रहेगा 2 दिन एग्जाम पढ़ना, दिवाली में थियरी सब बाकी सब आप पढ़ने नहीं देते, नजदीक में खेलने का टाइम पास नहीं, खेलने का दिवाली वैकेशन एक घंटा खाली बस, एक घंटा आधा घंटा पढ़ाई करो ऐसा, इकोनॉमिक्स वेकेशन आर ओवर मैथ्स भी रहेगा, अकाउंट भी रहेगा, टेस्ट भी रहेगा, तो वो 4-5 दिन बहुत वापस अकाउंट मैथ्स ही है, तो अभी 10 दिन में तैयारी कर लेना जिसका जिसका नहीं हुआ है, पढ़ लो सर, सबसे पहले उसको
कर लो, थियरी कर लो, एक आध घंटा पढ़ लेना. आई सेंड यू अ फ्यू क्वेश्चन, वो खाली सॉल्व करके लेके आना, ज्यादा नहीं है. समझो ना, टोटल मिला के 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा, 7 to 8 खाली वो सॉल्व करके लेगा. दिन भी नहीं मिला सर, हाँ गुड. सी 21st में ऊपर देखो, सबसे पहला लाइन क्या दिया है, कैश इज 50,000, दैट इज व्हाट टू बैलेंस बीडी. फिर आगे बढ़ो, बैंक पासबुक शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 1500. बैंक उल्टा करता है, बैंक का पासबुक जो दिखाता है हमारा कैशबुक इससे ऑपोजिट करेगा, मतलब बैंक डेबिट्स तो वी क्रेडिट, बैंक क्रेडिट्स तो वी डेबिट. तो बैंक पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस, तो अपना कैशबुक विल शो अ क्रेडिट बैलेंस, ऑपोजिट. यानी कभी कभी ट्रांजैक्शन में आता था बैंक डेबिट एंड बैंक चार्जेस, बैंक डेबिट है बैंक चार्जेस, हम लोग क्या एंट्री करते हैं बैंक चार्जेस, बैंक डेबिट एंड बैंक चार्जेस ऐसा दिया, तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं बैंक चार्जेस टू बैंक. तो इधर क्या करते बैंक चार्जेस, तो बैंक को क्रेडिट किया ना, तो बैंक हमारा अकाउंट डेबिट करेगा तो हम बैंक का अकाउंट क्रेडिट करेंगे. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं एंड वो उसके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू. तो हमने बैंक में पैसा डाला तो बैंक बिकम्स अवर डेटर, बैंक देगा कि हमने उसको पैसा दिया तो वी बिकम इज क्रेडिटर. तो जिधर जिधर वी पुट द मनी इन द बैंक वी विल डेबिट बैंक, बट बैंक विल क्रेडिट अस. आर यू गेटिंग दिस? एंड जिधर जिधर विल टेक द मनी फ्रॉम बैंक विल क्रेडिट बैंक एंड बैंक विल डेबिट. तो हमेशा बैंक का मैकेनिज्म खाली डेबिट क्रेडिट उल्टा चलता है. हेलो, लेकिन रिसीव पेमेंट सेम है. हेलो, मतलब बैंक रिसीव्स तो वी विल रिसीव, बैंक पेस तो वी विल पे, रिसीव पेमेंट इज सेम, ओनली डेबिट क्रेडिट इज ऑपोजिट. अंडरस्टूड? अपना डेबिट साइड इज रिसीव्ड एंड क्रेडिट साइड इज पेमेंट, बैंक का डेबिट साइड इज पेमेंट एंड क्रेडिट साइड इज रिसीव्ड. समझा कि नहीं? याद रहेगा, खाली बेसिक फंडा याद रखना, पासबुक और हमारा बुक में क्या फर्क, क्या अलग है डेबिट और क्रेडिट. हम लोग जिधर डेबिट करते हैं बैंक उधर क्रेडिट, हम लोग जिधर क्रेडिट करते हैं बैंक उधर डेबिट. तो बैंक का डेबिट बैलेंस मतलब हमारा क्रेडिट बैलेंस, इट इज ओवरड्राफ्ट, तो बाय बैलेंस बीड इन बैंक ऑल. ओके, दिस इज अगेन एनएम टाइप, ऐसा चीज पूछता है. टू बैलेंस बीडी तो बाय बैलेंस बीडी, सो कैश कॉलम टू बैलेंस बीडी, बैंक कॉलम बाय बैलेंस बीडी. ध्यान से कर रहा है, एक एक एंट्री विदाउट एनी मिस्टेक्स फिनिश इट ऑल. लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट. तो हाँ, और डिस्काउंट अलाउड केपी.
और जो कैश पड़े हैं सेकंड में सीडी किस पर 2,500 4,000 वही है ना आफ्टर डीडी अमाउंट वही है गठोड़ा आफ्टर डीडी वाले से जीएसटी रहेगा तो बीच में जीएसटी आ जाएगा मतलब चेक दिया और कैश लिया सो नो एंट्री एनकैशमेंट ऑफ अ बेरर चेक इज नो एंट्री कैश टू कैश किया था ना एक प्रॉब्लम में आया भी था कैश टू कैश नो एंट्री एनकैशमेंट का मतलब याद है चेक दिया और पैसा ले लिया बैलेंस चेक ऑलरेडी कैश ही था कैश गया कैश आया नो एंट्री नरेशन लिखो शॉर्ट में ब्रैकेट में राइट द नरेशन ब्रैकेट में नरेशन लिखना टेंशन इट इन शॉर्ट अभी कैसा खान वाला किया ना ज्यादा पैसा ले दिया फिर उसने वापस दिया अपने को ऐसे ही वसंत का केस यू आर सपोज टू पे वसंत 2000 एंड वी गिव हिम अ चेक ऑफ 2205 तो एंट्री क्या है बाय वसंत कैश कॉलम 2205 एंड वापस कितना देगा वसंत अभी अपने को 205 तो इधर 2 वसंत 205 सेम खान वाला का एग्जाम्पल था ना एग्जैक्टली सेम ही पेड हिम मोर समझा तो बाय वसंत विल बी 2205 एंड 2 वसंत विल बी 205 नरेशन लिखो शॉर्ट में वृष्टि सुहानी लिखा गया लिखो शॉर्ट नरेशन लिखो डोंट जस्ट रन विद एंट्रीज जानवी नरेशन शॉर्ट चाहिए मेरे को पार्श्व क्या नाम है इसका आयुष पूरा चाहिए मेरे को नरेशन लिखो लिखो नरेशन लिखो साइड में लिखो लेकिन लिखो दो तीन वर्ड का जो भी है मीनिंग लिखो राइट इन शॉर्ट
वसंत अपने को वापस दिया कैश टू कैश एनकैशमेंट मतलब गिव बेरर चेक टू द बैंक बेरर चेक में कैश ही रहा बाय वसंत 2205 नो एंट्री फॉर एनकैशमेंट ऑफ अ बेरर समझा कि नहीं चेक कितने का था 2205 का था ना चेक वाज ऑफ 2205 विशाल को डिस्काउंट नहीं मिला वो बाद में पहले तो टू सेल्स 2205 पहले टू सेल्स 2205 लिखा समझा कहाँ से आया एंड कैश क्वालिटी एंडोर्स किया 2205 कैश में एंडोर्स किया है ना चेक वो बाद में पहले टू सेल्स 2205 किया फिर वही चेक हमने वसंत को दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ टू था बाय वसंत 2205 कैश कॉलम ज्यादा दे दिया वसंत के बस बैक सो टू वसंत 205 कैश कॉलम वो लिखा टू वसन 205 कैश कॉलम देखो टू वसन 205 कैश कॉलम एंडोर्स चेक इज पूरा कैश एंडोर्स चेक इज पूरा कैश सब अमाउंट कैश में ही है सी व्हाट हैज हैपेंड यू सोल्ड गुड्स यू गॉट अ चेक कितने का चेक आया 2205 एंट्री क्या है टू सेल्स 2205 वो मिला हेलो वो चेक यू गेव इट टू वसंत बट वसंत को कितना देना था 2000 यू गेव मोर और लेस मोर तो बाय वसंत पूरा अमाउंट दे दो 2205 अभी वसंत से लेना है कितना 2020 वो दे रहा है वही दिया है वसंत पे डज द बैलेंस कैश सो टू वसंत कैश टू वसंत हाउ मच 205 यहाँ पे तो पूरा अकाउंट सेटल था फिर ये चेक बाउंस हो गया दिस चेक गॉट डिसऑनर्ड एंडोर्स चेक इज डिसऑनर तो हाउ मेनी डिसऑनर एंट्रीज टू सो टू वसंत और बाय वसंत इधर बाय वसंत का हो जाएगा टू वसंत कैश कॉलम हाउ मच 2205 टू वसंत कैश कॉलम 2205 और इधर बाय विशाल और इधर बाय विशाल कैश कॉलम 2205 टू वसंत कैश कॉलम 2205 एंड बाय विशाल कैश कॉलम 2205 अभी आगे बढ़ो क्या दिया विशाल वी सेटल्ड वसंत अकाउंट बाय कैश तो वसंत को वापस पैसा दिया तो बाय वसंत कैश कॉलम 2205 आर यू गेटिंग दिस बाय वसंत कैश कॉलम 2205 एंड विशाल सेटल इज अकाउंट विदाउट रिटेनिंग द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट तो हाउ मच डिड विशाल गिव अस 2250 विदाउट डिस्काउंट तो कोई डिस्काउंट डिस्काउंट ले लेगा टू विशाल विच कॉलम कैश कॉलम टू विशाल कैश कॉलम 2250 बैंक चार्जेस टू बैंक समझा कि नहीं ये स्टोरी बोलो एनी डाउट टेल मी कृषा लिखो नरेशन लिखो शॉर्ट पहले टू सेल्स कैश से
फॉर सर तो मैंने क्रेडिट किया ना तो बैंक चार्ज सर बैंक डेबिट सॉरी क्रेडिट लास्ट में डिपॉजिटेड सर्च कैश इन बैंक लेटर और बैंक बैलेंस टोटल रुपीज 1000 तो क्रेडिट चेक बढ़ा है तो ऐसा ना प्लस 1000 ऐड करना तो डेबिट में 1000 ओडी आ रहा है हां कितने का मैं चेक करने से बाद में करो लास्ट मोड़ी का बाद में बोलो क्या हो गया ये कहानी समझा पहले आया ज्यादा दे दिया था तो इससे पैसा वापस किया बाय वसंत का इधर टू टू सेल्स का इधर बाय विशाल ये डिसऑनर हो गया देन वापस भी सेटल तो वसंत से पैसा वसंत को दिया पैसा तो बाय वसंत 2205 बिकॉज वी डिड नॉट अलाउ एनी डिस्काउंट अगर अलाउ करते तो इट वुड हैव बीन 220 गुस्सा आ गया अपने को अभी कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं देंगे 2250 पूरा पैसा मेंशन इट इन ब्रैकेट डायरेक्टली एंट्री मत करो बंद करो इधर से ब्रैकेट में चालू करो ऊपर से चालू करो अरे भाई लास्ट मंथ सेल हो गया था इसके लिए लास्ट मंथ बाय हुआ तो फिर पैसा आया सो टू एक्सपायर टू एक्सपायर कैश टू एक्सपायर या बैंक टू एक्सपायर कैश टू एक्सपायर यू विल नॉट राइट कैश टू फर्नीचर यू अंडरस्टूड राइट कैश टू एक्सपायर क्वेश्चन हां टू एक्सपायर पहला नरेश करंट टू एफडी क्या होगा ये क्या है करंट यहाँ से जा रहा है पहले यहाँ से जा रहा है पैसा एफडी टू बैंक सो बाय एफडी समझा मनी इज गोइंग ना फ्रॉम योर साइड क्रेडिट साइड पेमेंट साइड बाय एफडी बाय इन्वेस्टमेंट इन एफडी या बाय सेविंग्स टू करंट मतलब इधर आ रहा है कहाँ से आ रहा है घर से आ रहा है घर से बैंक में आया पैसा कैश टू कैपिटल बैंक टू बैंक टू कैपिटल बैंक अरे एंट्रीज बोलो एनकैशमेंट ऑफ अ बैरर चेक इज नो एंट्री सी बैरर चेक आया दैट वाज कैश अब चेक दिया और कैश लिया बुक्स में तो वो कैश ही था कैश लिया सो नो एंट्री एनकैशमेंट ऑफ अ बैरर चेक इज नो एंट्री अरे वंशी हो गया पोस्टिंग हो गया सर लास्ट एंट्री सर लास्ट एंट्री छोड़ दो फॉर द टाइम लिख रहा हूँ ये सब एफ डी किसका अकाउंट है पर्सनल की बिजनेस एफ डी कुछ नहीं किया तो किसका है इसलिए वी आर राइटिंग एफ डी
इन्वेस्टमेंट इन एफडी, इन्वेस्टमेंट इन एफडी या एफडी, दिस अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. सेविंग्स किसका है? पर्सनल. दैट्स व्हाई वी यूज आइदर ड्रॉइंग्स और कैपिटल. सेविंग्स के बारे में कुछ नहीं दिया तो पर्सनल. सर बोलो. ड्रॉइंग एक्सपेंस है पर्सनल. बिजनेस का है, बिजनेस में से लेके क्या है? नॉट एन एक्सपेंस. ड्रॉइंग्स मतलब नेगेटिव कैपिटल. एक्सपेंस मतलब व्हाट बिजनेस पेज टू वन फ्रॉम. डेबिट होएगा बट बिकॉज ओनर इज द रिस्क. पर्सनल सेविंग्स टू करंट टू बैंक. सेविंग्स टू करंट इज बैंक टू कैपिटल. करंट में आया ना यार पैसा. करंट टू एफडी ना. करंट से गया बैंक से गया एफडी खरीदा एफडी टू बैंक. सोचो वो डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूज हो रहा है ना. जस्ट पढ़ो क्या है. व्हाट इज आईटी. एलआईसी ड्रॉइंग्स. बैंक चार्जेस क्या है? एक्सपेंस. व्हाट इज एंट्री फॉर बैंक. अपने आप क्रेडिट हो जाए. चलो पोस्टिंग हुआ क्या? कमीशन इश्यू किया है ना चेक. बाय रेंट बाय कमीशन. बैंक वाला इश्यू कर लास्ट छोड़ दो. लेट मी चेक फर्स्ट. लेट मी चेक देन यू डू आगे. करूं डिस्कस. बाय ड्रॉइंग्स. एल आई सी इज लाइफ इंश्योरेंस. डिस्काउंट अलाउ. डिस्काउंट सब नहीं है. डिस्काउंट अलाउ. वेट वेट टोटलिंग रुको. पहले एंट्रीज हो गया सबका पोस्ट. अरे मुश्किल आ गया. चलो चेक करो. मैंने ये सब चाहिए मेरे को. नरेश भाई इधर इधर भी सब में चाहिए ना. रेस्ट सब में वो एक का भी नहीं रहेगा. वापस बिठा के करना है. बेटर यू रहे. हर एक एंट्री का शॉर्ट नरेशन चाहिए मेरे को. हाँ बाजू में चलेगा. बट चाहिए ट्रांसफर 2000 फ्रॉम सेविंग्स टू करंट. दिस इज करंट. सेविंग्स टू करंट मतलब इधर आया पैसा. कहाँ से आया? व्हाट इज सेविंग्स? पर कैपिटल. हाँ पर्सनल. घर से लाया बैंक में. व्हाट इज इट? बैंक टू कैपिटल. तो टू कैपिटल बैंक कॉल. करंट टू एफडी मतलब यहाँ से गया करंट से गया क्रेडिट साइड. इधर गया एफडी में. एफडी घर गया कि बिजनेस. बिजनेस एफडी टू एफडी इज एन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इन एफडी. एसेट बढ़ा टू बैंक. एफडी टू बैंक टोटल
कॉलम चेक करना बराबर से चलो डिस्कस हाउ मेनी स्टिल डूइंग यश का हो गया लास्ट मिस्टेक समझा लेजर का सिंधी मिस्टेक सर मेरा भी कितना 1500 से 3000 पे कर दिया फुल आ जाता बैंक में डेबिट हुआ और सेल में जाएगा 2000 हां सर का तो सर है ना मिस्टेक बोल रहा हूं मिस्टेक भाई भाई स्टार्टिंग कैश क्या 66 5 इतना का मिस्टेक बोल रहा है किसका अरे वो लोग का 4 है 16 चलो चेक सर एक मिनट चेक 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 या विच वन हो गया एंट्री कैश इज रुपीज 50,000 बैंक पासबुक शोड़ा डेबिट बैलेंस ऑफ 1500